हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 कुकिंग खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओट्स के इस नाश्ते की रेसिपी, जिसको मैंने ओट्स से बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है, इसको बच्चे जरूर पसंद करेंगे। आप इसको कभी बना के खा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस ओट्स के नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी 3/4 कप सूजी का। इस नाश्ते को बनाने के लिए सूजी पहले डालेंगे, मिक्सी के जार में डालना है सूजी को। पहले सबसे पहले सूजी ही डालना है, बाद में कुछ और डालना है। और 3/4 कप ओट्स है, ये मार्केट में इजली मिल जाता है, उसको डाल दूंगी मैं। और 3/4 कप दही है, यानी इक्वल अमाउंट में है दही, ओट्स और सूजी। अब इसी में मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और इसको पीस लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये ओट्स सूजी और दही का बैटर बन करके रेडी है। उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। अब एक मिक्सिंग बाउल में इस अपने बैटर को लेकर के इसमें डाल लूंगी। इसी में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा कैप्सिकम, 2 टेबल स्पून कैप्सिकम का है। और कॉर्न, यहाँ पर मैंने फ्रोजन कॉर्न लिया है, ये भी डालूंगी मैं 2 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून टमाटर का डालूंगी। और आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही सब्जी जो आपके बच्चे को पसंद हो, आप उस हिसाब से डाल लीजिए। इसी में मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स का और 1/2 टीस्पून पिज्जा सीजनिंग का। ये टोटली ऑप्शनल है, ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। इटालियन सीजनिंग मैंने डाला है यहाँ पर 1/2 टीस्पून। अगर आप चाहें तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया की पत्ती, आप चाहें तो पत्ता गोभी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, उससे और भी हेल्दी हो जाता है। अब इस मिश्रण को मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए करने के लिए रख दूंगी, ताकि सूजी वगैरह अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक तवा या पैन, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। गैस को करेंगे ऑन और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा घी। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। इसको बराबर से फैला लेंगे, ज्यादा घी नहीं पहले डालना है, हल्का सा ही डालना है, केवल ग्रीस करने के लिए उतना ही डालना है। इसको बराबर से फैला देना है और अपने इस बैटर को इसमें डालना है। आप जिस शेप में चाहे उस शेप में बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप गोल ही बनाइए, चौकोर भी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को इस स्टेज पे धीमा रखना है और बैटर को बराबर से फैला देना है। इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। अब ऊपर से मैं डालूंगी ग्रीन चिली, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा कैप्सिकम, गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है, तेज नहीं करना है इस स्टेज पर। थोड़ा सा कॉर्न और थोड़ा सा मेरे पास कटा हुआ पनीर था, उसको भी मैंने ऐड किया है, इससे और भी चीजी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, बच्चे पसंद करेंगे खाने में। अब इसको नीचे से देख लेना है कि हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। अभी ये हल्का सा लाल हुआ है। लास्ट में मैं ऐड करूंगी मोजरीला चीज, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। ऐसे मैंने घिस करके डाल दिया है इसमें। ये लिड को ढक देना है थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे ही धीमी गैस पर पकने देना है। बीच बीच में चेक कर लेंगे कहीं नीचे सर तो नहीं रहा है गैस की फ्लेम हमारी, हालांकि बिल्कुल धीमे थी, एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट कुक भी हो गया है। गैस की करेंगे मैं ऑफ और देखिए ये लेकर के पलट के देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। ये चिपकता नहीं है, बस बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, ज्यादा पतला बैटर नहीं रखना है। नीचे से एकदम क्रंची है, लाल है। अब इसको वापस से एक
प्लेट में डाल के यूं फ्लिप कर लेना है। ऊपर से मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग और अब इसको कट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये ओट्स से बना हुआ नाश्ता है कितना यम्मी बन करके रेडी है। आप इसको अब मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं, चाहे तो पिज्जा कटर से कट कर लीजिए या कोई शार्प नाइफ है उससे कट कर लीजिए मन चाहे पीसेस में। इसको सॉस या चटनी के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी लगेगा ये। देखिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता बन करके रेडी है, ओट्स से बना हुआ। ये कितना हेल्दी नाश्ता है, अभी बहुत गर्म है। इसको आप बच्चों को बना के दे सकते हैं टिफिन वगैरह में, या कभी भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ओट्स वगैरह पड़ा है, दही है तो, और सब्जियां वगैरह है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। आप बड़े भी बना के इसको खा सकते हैं टी टाइम के, या कभी भी बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।